बिहार में बीजेपी लगातार जेडीयू को आंख दिखा रही है, यहां तक कि खुद को बड़े भाई की भूमिका में भी दिखा रही है। बीजेपी के इसी दबदबे की वजह से जेडीयू कमजोर होती जा रही है, जिसने उसके भविष्य पर सवालियत निशान खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि अब पार्टी खुद को मजबूत बनाने में जुटी है, तो सूबे में कैसे तीर को धार दे रही है जेडीयू, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि जेडीयू अपने दम पर सूबे में सरकार बनाने का मतदान नहीं रखती है। 15 साल से सूबे की सत्ता पर राज कर रही जेडीयू पहले नंबर पर आना तो दूर बल्कि तीसरे नंबर पर है। अपने खिसकते वोट बैंक और गठबंधन में बीजेपी के बढ़ते दबदबे की वजह से ही पार्टी को भविष्य की चिंता सता रही है, इसीलिए वो अब पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के बड़े नेताओं चाहे नीतीश कुमार हों या आरसीपी सिंह, उन्होंने साफ साफ अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि जितना ज्यादा हो सके जनता तक पार्टी के कार्य और नीतीश के विकास कार्यों को पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में जेडीयू ने 41 जिलों में पार्टी के प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है, जो पार्टी के हर कार्य और नीतीश के विकास कार्यों की जानकारी तो देंगे ही, विरोधियों के भी तमाम आरोपों का करारा जवाब स्थानीय स्तर पर भी देंगे। इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई जिलों में विधायक और पूर्व विधायक भी प्रवक्ता बनाए गए हैं। जेडीयू ने तीर को धार देना इसीलिए शुरू किया है क्योंकि सूबे में उसका जनाधार बेहद कम रह गया है, और तो और अब तो बीजेपी भी उसे लगातार आंख दिखा रही है। यहां तक कि खतरा सीएम नीतीश कुमार पर भी मंडराने लगा है। यही वजह है कि जेडीयू अब फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटी है। अब देखना होगा कि वो इसमें कितनी कारगर साबित हो पाती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।